हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार कोई बयान दिया है और नीतीश कुमार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरा है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास कोई भी काम नहीं है, वो बस हर रोज किसी मुद्दे पर ट्वीट कर देते हैं। नीतीश कुमार इस बात से खुद को बेफिक्र बताते हैं कि विपक्ष उनके बारे में क्या सोचता है। जनता दल यूनाइटेड के संकल्प रैली में युवाओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आज का युवा जो राजनीति में आ रहा है वो अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के दम पर आ रहा है। ये निशाना माना जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर है। नीतीश कुमार ने अपने बयान से एक साथ कई निशाना साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि ये जवाब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दी है, जो चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि गरीबों के खिलाफ काम किया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एससी एसटी और ओबीसी युवा जेल में हैं वो फर्जी केस के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार के इस बयान पर फिर से सियासत जोरों पर है। अब देखना यह है कि पलटवार में क्या कुछ कहा जाता है।